गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज नाइन्थ गणित में अध्याय 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, इसमें बहुत सारी आकृतियां दी गई हैं, उससे संबंधित सूत्र। तो इसमें पहली आकृति है गोला, गोले से संबंधित सूत्र का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये देख रहे हैं चित्र आप, ये एक गोले से संबंधित चित्र है। तो फॉर्मूला है, पहला गोले का आयतन। गोले की त्रिज्या होती है, तो वो r into r। सही अर्थ है। दूसरा फॉर्मूला है, गोले का संपूर्ण वक्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब उसका जो पूरा जो पृष्ठ है और उसका एरिया, जो पूरा एरिया लेंगे तो आ जाएगा 4πr² r मतलब गोले की जो त्रिज्या होती है और स्क्वायर का मतलब होता है 4πr×r। इसको दो बार गुणा कर सकते। तीसरा फॉर्मूला है अर्धगोले का आयतन, 2/3πr³, मतलब 2/3πr×r×r×r। ये बच्चों के फॉर्मूले हो गए। अगला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, 3πr² 3×π×r×r। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए गोले का आयतन 4/3πr³, वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब नेक्स्ट आता है गोलीय कोश का आयतन। गोलीय कोश में क्या है, दो है, एक त्रिज्या कम होगी और एक ज्यादा होगी। तो r1 यानी पहली त्रिज्या और r2 दूसरी त्रिज्या। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3πr². आप देख रहे हैं इस चित्र में कि एक प्याली दी गई है, वो उसका जो है शेप अर्धगोलाकार है, पूरा गोल नहीं है, हाफ है। तो अर्धगोले के लिए इसका ही फॉर्मूला सूटर है। अब बच्चों एक फॉर्मूला देखते हैं, हम सवाल हल करते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो गोले की त्रिज्या होती है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर गोले की त्रिज्या, होता है 4πr². ठीक है, 4 × π की वैल्यू आपको बताई गई थी 22/7। तो ये जाएगा 22/7 और r की वैल्यू है त्रिज्या, कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो r का स्क्वायर है 7×7, तो दो बार गुणा करेंगे। हाँ, ये 7 से 1 7 से 1 7 क्या होगा, कैंसिल होगा। जो शेष संख्या बचेगी वो होगी 4×22×1×7। ठीक है, अब इनका गुणा क्रमशः करेंगे। तो देखो गुणा भी देखते हैं, 22×4 का करेंगे तो 88 होगा, 88 में करेंगे 7 का, ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा।
जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर है 22/7 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दी गई है। यहाँ देखो साहब आर इज इक्वल टू सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर होगा 4πr² ठीक है। गोले की जो त्रिज्या है त्रिज्या होगी r इज इक्वल टू 10.5। इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव की घटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 105/10 सेंटीमीटर ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे है ना, तो 5 से टेबल पढ़ोगी तो आ जाएगा ये 5 और 21 21/2 सेंटीमीटर त्रिज्या कहलाएगी। फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो 4 × π की वैल्यू रखेंगे 22/7 × 21/2 × 21/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो सॉल्व आप करते हैं तो 7 और 7 3 2 से करें 2 और ये 2 बार कैंसिल होगा, फिर 2 से करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाए। शेष संख्या जो बचेगी ये है 1 × 22 × 3 × 21 इन चारों संख्या का क्रमशः गुणा करेंगे तो संख्या प्राप्त होगी 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा जो है होमवर्क दे रही हूँ, दूसरे में करना है आपको 5.6 जो है आर त्रिज्या है, यहाँ भी है 14 सेंटीमीटर जल्दी दे। चलिए अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर² है। माना आर गोले की त्रिज्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 154 सेंटीमीटर ठीक। तो अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² बराबर क्षेत्रफल दिया ही है इसको इक्वल करेंगे ठीक। अब 4 × π की वैल्यू होती है 22/7, बच्चों याद करना है आपको नेक्स्ट R2 यानी गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो सॉल्व करना है। देखिए 4 × 22/7 × r² = 154 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। r² = हो जाएगा 154 × 7 जो है वो भागित में है तो जाएगा किसमें, इंटू में जाएगा, इंटू 7 होगा डिवाइडेड बाय 4 × 22 ठीक। अब सॉल्व करो उसको तो आ जाएगा ये 2 से ये जाएगा ठीक। अब बाकी संख्याएं जो है कैंसिल नहीं हो सकती हैं उसको गुणा करेंगे इंटू 7 / 2 × 22 ठीक। इसको हल करेंगे जब तो आ जाएगा 12.25 ठीक है। ये हो जाएगी r² की वैल्यू। अब r की वैल्यू निकालने के लिए r = ये जो वर्ग है ये कैंस में कन्वर्ट होता है वर्गमूल में तो वर्गमूल आ जाएगा 12.25 ठीक है। ये होगा अब इसको भी इसका वर्गमूल याद करेंगे तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर।